सभी लोगों का धर्म सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं हमारा चैनल भगवती यूनिक क्लासेस। और बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन नंबर पाँचवा और छठा बताने चल रहा हूँ, जो एक्सरसाइज चैप्टर थ्री का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 3:2। हमने बताया था पहले, इससे पहले वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा हो वीडियो को देखें, कि आसन कोण कौन से होते हैं। जैसे ये दो भुजाएँ हैं और इसके बीच के, तो ये दोनों कोण आसन हो जाएंगे, ये भी आसन कोण हो गए, ये भी आसन कोण हो जाएंगे, ये हो गए, ठीक है। और ये समांतर रेखाओं के बीच के कोण होते हैं, ठीक है। अब इसमें अनुपात दिया है, तो अनुपात है कितना, 3:2 है ना। कोण क्या है, 3:2। माना प्रत्येक बराबर x मान लेते हैं, माना प्रत्येक। अब इसमें किसी को मान लो 3:2, तो ये फिगर इस तरह से नहीं होगा, फिगर आपका बढ़ जाएगा, तो उसी तरह कर सकते हो। ठीक है, ये इस तरह बन गया, ये बड़ा हो गया। प्रत्येक कोण बराबर x, x तो कोण a बराबर 3x और कोण b बराबर 2x, ठीक है। अब आसन कोण का जोड़, चूंकि आसन कोणों का योग कितना होता है, ये पहले से समांतर बताया गया है। आसन कोणों का योग बराबर 180, तो कोण ए जमा कोण बी बराबर 180 होगा, ठीक है। अब ये 3x जमा 2x हो गया, ये ए 3x, ये 2x, और ये जोड़ के हो जाएगा कितना, 5x, है ना। 5x बराबर 180 के, तो x बराबर 180 को 5 से भाग देंगे, 5 × 3 = 15, 5 = 36 डिग्री आ गया। तो कोण ए बराबर, अब सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण बराबर होंगे, तो कोण ए बराबर कोण सी बराबर 3x बराबर 3 × 36, और ये हो गया 108 डिग्री, है ना, समझ में आ गया। अब आगे बी को देखते हैं, और कोण बी बराबर है कोण सी, सॉरी डी के, तो ये 2x है, तो 2 × 36 करोगे तो कितना बनेगा, 72 डिग्री आ गया। अब देखिए, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो 180 ऐसा आ जाता है, ये दोनों 108 के, ये दोनों 72 के, और सबको जोड़ते हैं तो 360, और चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 होता है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के, और इस कंडीशन पे आपके कोण निकल गए, और ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, बच्चे इसमें दूसरे क्वेश्चन में सेम वही सवाल है, सवाल में कोई बदलाव नहीं है, खाली थोड़ा सा बदलाव क्या है, यहाँ दोनों कोण को बराबर दे दिया गया, सेम तरीका है, अनुपात नहीं दिया है। तो माना इसी में ले लो, अब इसका फिगर इस तरह बन जाएगा, एकदम बराबर होगा तो बराबर बनेगा, इस तरह से बन जाएगा, इसको PQRS कर देते हैं, ठीक है। तो माना बराबर कोण बराबर x, ठीक है, चूंकि आसन कोणों का योग 180 होता है, चूंकि आसन कोणों का जोड़ बराबर, आसन समझ में आ गया ना, आसन कौन सा है, जैसे ये बोर्ड है तो ये भी आसन है, ये इधर भी आसन है, ये वाला आसन है, ये आसन, क्योंकि ये बोर्ड का ये आमने सामने की भुजाएं समांतर है, इधर की उधर भी समांतर। आसन कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180, तो हमने x माना है, x जमा x बराबर 180, तो 2x बराबर 180/2 कितना हो गया, 90 डिग्री आ गया, यहाँ बटे 2 कर दो, ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, x बराबर हो गया 90 डिग्री। इस प्रकार कोण a कोण p बराबर कोण q बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री, और ये 90 हो गया, तो ये भी 90 हो गया। इसी प्रकार कोण P बराबर कोण R बराबर 90 डिग्री, कोण Q बराबर कोण R बराबर S है 90 डिग्री। ये क्यों है, ये सम्मुख कोण है, ओके बच्चों। तो ये आपका आंसर हो गया, और इसके सारे कोणों का मान जो है 90 डिग्री हो गया। आ गया बच्चों समझ में, तो आगे क्वेश्चन को करते हैं।